जय हिंद। रिट्स गाड़ी 2010 मॉडल सीएनजी एंड पेट्रोल। ये गाड़ी मेरे पास पहले आई थी, काफ़ी टाइम पहले, लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं। जब मैंने पहली बार गाड़ी को देखा और चलाया तो कस्टमर को सारा क्लियर बता दिया कि आपकी गाड़ी में इंजन का प्रॉब्लम है, इसमें पिकअप कम है, पावर कम है। बट आप 4-6 महीने के लिए ऐसा कर दूंगा कि आपको कभी रोड पर रुकना नहीं पड़ेगा और कोई परेशानी आने वाली नहीं है। इस चीज़ को करा के देखो, अगर समझ में आया तो फिर दोबारा आप आना और जो ऐसे कहोगे फिर मैं वैसे करूँगा। जितना पैसे लिया था तो मैंने लिखा ही है, डेट लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ, किस टाइम क्या क्या काम किया था वो सारी चीज़ें कर दिया था। और आज तक गाड़ी चल रही है बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, नॉन स्टॉप, मतलब कहीं रुकी नहीं, कहीं बोनट खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं, सिर्फ रीडिंग लिखा हुआ उसके हिसाब से चल। उसी चीज़ को देखते हुए कस्टमर ने मेरे को सजेस्ट किया कि जब एक काम करने से इस तरीके से गाड़ी चल सकती है तो मेरी गाड़ी में अभी 2 साल बचे हुए हैं और गाड़ी का कंडीशन मैंने बिल्कुल बढ़िया बना दिया है, शानदार तरीके से, जिसमें टायर नए हैं, अंदर का सिस्टम बहुत बढ़िया लगा हुआ है, हाई क्वालिटी का लगा हुआ है, म्यूजिक सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो मैं गाड़ी नई लेना चाहता हूँ, नई जैसे रख करके चलाना चाहता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग उसको देखते हुए आज मैंने गाड़ी का ट्राई ले रहा हूँ और मैं इसका इंजन ओवरऑल करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें पावर कम है, पिकअप कम है, जो हम भगाना चाहते हैं ना, जो रिस जानी गई है ना रॉकेट भागने के मुकाबले में, तो वो चीज़ इसमें वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो मैंने उसको उस तरीके से करना कि बिल्कुल नई जैसे हो जाए, नई तो नहीं मतलब नई जैसे, नई गाड़ी लेने की जरूरत ना पड़े, उसी के अकॉर्डिंग काम स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको चला के देखता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से वो भी करता हूँ। हालांकि जो काम मैंने पहले कर दिया उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ओनली इंजन करना है और इसमें पावर और पिकअप बनाना है। तो इस गाड़ी का इंजन ओवरऑल का शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। इसमें मैं बता रहा हूँ, तजुर्बा लगाऊंगा और जज्बा और जुनून भी लगाऊंगा और उसी तरीके से गाड़ी का बना दूंगा, क्योंकि हमारे उस्ताद जी का तजुर्बा बहुत अच्छा है गाड़ी के मामले में। लोग कहते हैं ना, कंप्यूटर से चेक करूंगा, स्कैनिंग करूंगा तब काम करता हूं, लेकिन हम लोग काम करते हैं जिससे पहले हमने कंप्यूटर को बनाया हुआ है उसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपना माइंड इस्तेमाल करते हैं, सबसे लास्ट में ज़रूरत पड़ती है तब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और जब सारे कंप्यूटर फेल होते हैं तो यहीं से गाड़ी होकर के जा रही है, अभी तक हमने किसी गाड़ी को ना नहीं किया, बसरते सामने वाले कस्टमर उस लायक बने, काम कराने लायक। तो 100% तो नहीं, 99% गाड़ियों का आजकल हम काम करके दे रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम आप इसको तैयार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो जो गाड़ी मैं चला के देख रहा हूँ तो उसमें क्या है, जैसे हमने फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाया और जैसे हम सेकंड गियर में लाएंगे तो एक आवाज़ आएगी, जैसे देखेंगे ये जो आवाज़ आ रही है ना इस गाड़ी में, नहीं सेकंड गियर में खच की आवाज़ आ रही है, ये नहीं होना चाहिए, ये अंदर इसके गियर बॉक्स में प्रॉब्लम है। ये आप देखेंगे, जैसे कि दोबारा मैं चेक करता हूँ, फर्स्ट गियर में चलाया और जैसे हम सेकंड में लाएंगे ना तो आवाज़ आएगी, ये नहीं होना चाहिए, इसको भी ठीक करना है। मतलब गेयरबॉक्स इंजन ओवरऑल तो करेंगे बट गेयरबॉक्स में क्या प्रॉब्लम है उसको भी खोल के देखेंगे और ये किस वजह से होता है फिर वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना और मेरे आगे रास्ता खाली है, होता क्या है जैसे हमें थर्ड गियर में डाल करके भगाना है तो गाड़ी को एक्सीलेटर के हिसाब से गाड़ी नहीं चल पा रही, मतलब आवाज़ तो पूरी कर रही है क्योंकि पावर इसमें है नहीं। ये चीज़ें ना थोड़ा दिमाग में लगता है कि यार गाड़ी इतनी शानदार है लेकिन चल नहीं रही है, जब इसके अंदर एक्स्ट्रा पावर डाला पिस्टन और वाल के साथ तब फिर दूरी को कवर कर लेगा, जैसे कट मारते ना स्कूटी की तरह, अगर इसमें मारना हो तो हमें थोड़ा गाड़ी की जगह अपना खुद का ताकत लगाना पड़ता है, लेकिन उस तरीके से नहीं चल पाती है। बस उसी को देखते हुए इस काम को करना है। और मोस्टली ज़्यादातर गाड़ियों में ऐसा प्रॉब्लम आता है जो सीएनजी पे चल जाती है ना, तो ऐसा होता है कई बार। ये चीज़ें मुझे सोचना पड़ रहा है, चलाना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि है ना गाड़ी पहले इंजन खुल चुका है, अगर ओरिजिनल होता ना तब तो और अलग चीज़ होती है, लेकिन वही सबसे पहले अब देखना पड़ेगा क्या क्या हुआ और किस तरीके से हुआ, उस चीज़ को हटा करके फिर जेन्युइन तरीके से बनाना है, तब उसके बाद वो चीज़ें आ जाएगी। जो ऐसा होता नहीं कि ऐसे एकदम से हवाई जहाज़ जब एकदम से उड़ता है तो पीछे आदमी जाता है, ऐसा करके गाड़ी में भी महसूस होता है, एक्सीलेटर देते सीट पे बैठे बैठे पीछे आ जाता है, वो चीज़ जब हो जाती है तो फिर गाड़ी चलाने में मजा आती है और ऐसा ही करना है इसको, तो उसी के लिए मैं ट्राई ले रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ। चला के देख ही लिया था, उसी के अकॉर्डिंग अब सारी की सारी चीजें खोलना चालू कर दिया हूं। जैसे निकाल दिया मैंने कूलेंट,
गेरायल गेरायल निकाला तो इसमें बुरादे टाइप का निकला है, क्योंकि खच खच की आवाज आ रही थी, तो संक्रो नजर के जो बुरादे उसमें से आए हुए हैं। बाकी हर एक फिटिंग कंप्लीट ए टू जेड खोलूंगा, और खोलने के बाद एक एक चीज चेक करूंगा, करने के बाद फिर किस तरीके से फिटिंग होती है, सफाई होती है, तो मैं दिखाता हूँ और दिखाऊंगा। एक नंबर का काम करूंगा, जो सबसे बेस्ट होता है इंजन के मामले में, जो करता हूँ वो इसके अंदर करूंगा, और कैसे खुल रहा है, कैसे फिटिंग हो रहा है, कैसे सफाई हो रहा है, हर एक चीज बिल्कुल डिटेल में दिखाऊंगा, ताकि आगे चल करके कभी किसी को करना हो इस तरीके का इंजन, तो बिल्कुल नया सा बन करके तैयार हो, बिल्कुल शानदार तरीके से। सोचने की जरूरत ना पड़े कि इंजन करने के बाद ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, मतलब जो कुछ होगा तैयार होकर के ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, उस तरीके से पहले सोच विचार किया हुआ है, फिर कब काम चालू कर दिया है, और उसी हिसाब से बिल्कुल तैयार करूंगा एक नंबर का इंजन बना करके। फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बाहर निकलता है। बस ये बाहर आने ही वाला है, पहले बाहर की फिटिंग खोला है, सारे पार्ट निकाला है, अब इसको बाहर निकाल के फिर इसको अलग अलग पार्ट करता हूँ। बताया था ना कि इंजन बंधा हुआ पहले कभी, अभी जाली के ऊपर एना बोंड आया हुआ है। अब जैसे मैंने अभी इंजन खोल रहा हूँ, खोलने के बाद एक एक चीज चेक कर रहा हूँ कि इंजन खुला हुआ है और रिपेयरिंग भी हुआ है, तो इसमें उस तरीके से परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा जो इंजन होने के बाद होता। तो जो सामने एक एक चीज चेक कर रहा हूँ, तो सामने सबसे पहले तो एना बोंड पेस्ट लगा हुआ है, ये तो हर कोई लगाता है, लेकिन लगाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। देखिए इसमें बहुत सारा कार्बन है, ये कार्बन नहीं एना बोंड ही है जो निकला हुआ है, और ये जाली पे जाके चौक है, ये तो मेन जाली में गया, यहाँ से ऑयल डायरेक्ट जाता है फिल्टर में, फिर उसके बाद हेड के ऊपर जाए। अगर इतना सा कचरा अगर चला गया ना हेड के ऊपर जो मेन गैस्केट के ऊपर होता, तो सही मायने में यहाँ से भी ऑयल जाना ऊपर बंद हो जाता है, और वहाँ पे पूरा हेड की ऐसी तैसी हो जाती है। तो ये बड़ी जब सफाई के साथ बांधते हैं इंजन जब लगाते हैं, तो अभी का कंडीशन ये है, देख सकते हैं किस तरीके से खुल रहा है, और जब फिटिंग होगा तो किस तरीके से होगा एक एक चीज़ वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। ये फॉल्ट मिल रहा है एक्चुअल में, जो फॉल्ट है ना ऐसे अभी अंदर जिसकी वजह से प्रेशर नहीं मिल रहा, वो भी मैं खोल रहा हूँ, वो भी दिखाता हूँ कि क्यों नहीं इंजन सक्सेसफुल हुआ। लॉक है अभी ये वाला, ये यहाँ नहीं है, ये भी ऐसा लॉक यहाँ होना चाहिए। तो पूरा कंप्लीट कर दो, ये देखो ये जो आवाज कर रहा था इसीलिए। तो रिट्स का इंजन देखा आपने किस तरीके से मैंने खोला, और खोलने के बाद खराद पे पहुंचा दिया। खराद पे पहुंचाने के बाद मैंने एक एक चीज़ का निगरानी किया, सबसे ज़्यादा बारीक और माइनरी में जा करके मैंने देखा कि इंजन बांधने के बाद ये पिकअप क्यों नहीं आया, आखिरकार में ऐसा क्यों होता है। हम लोग इंजन बांधते हैं तो लिख के देते हैं जाओ और फर्स्ट क्लास होकर चलाओ, लंबे टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन हमारे एक कस्टमर जो इंजन करा के आए और गाड़ी चल के राजी नहीं है, पिकअप है नहीं रिट्स के नाम पर, तो वो सारी चीज़ें मैंने खोला खराद पे जा करके देखा, तो फॉल्ट तो मिला कहाँ कहाँ क्या क्या की चीज़ें हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस तरीके से कभी ना करो, और ऐसा ना हो, ऐसा करो तो ऐसा होगा, मैं सारी डिटेल में बता दूंगा। उससे पहले वहां के सामान के बाद अब मैंने सारा सामान यहां धुलाई करा दिया, जैसे कि चैम्बर आयल पंप ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लीन करा दिया, अभी एक बार ये और धुलेगा, लास्ट में पेट्रोल और डीजल मिक्स करके धोऊंगा पूरा ड्राई करके, फिर इसकी फिटिंग करूंगा। और जो आपने देखा था गियर में सेकेंड गियर जब डालता था खच करके आवाज़ आती थी, तो इसके प्रॉब्लम ये मिला, ये गरारी जो है इसकी कट गई है, देखेंगे तो इसमें पिले है, ये पिले नहीं होना चाहिए, जैसे इसमें पिले नहीं है बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट का बिल्कुल ओके है। जब हम फर्स्ट के बाद सेकंड गियर में आते थे ना खच करके आवाज़ आती थी, तो अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप समझ लीजिए कि इसका प्रॉब्लम आने वाला है। इसका मैंने पूरा का पूरा सिस्टम खोला हुआ है, कंप्लीट क्लीन करके एक एक चीज़ करके फिर इसको नए तरीके से बना के गियर बॉक्स को असेंबल करूंगा, और ये पूरा इंजन का पार्ट था, जब अभी इंजन आ जाएगा किस तरीके से फिटिंग करना है,
नंबर वन का पिकअप कैसे बनाना है, माइलेज कैसे करना है, जैसे हर गाड़ी का दिखाता हूँ इसमें भी दिखाऊंगा। तो सेकंड पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। सेकंड पार्ट मतलब पहला होता इंजन, दूसरा होता गेयरबक्सा। जो मैंने गेयरबक्सा खोला था हर एक पार्ट बिल्कुल अलग तरह कर दिया था, जितने पार्ट थे एटलीस्ट यहाँ की इसके अंदर की गरारियाँ होती वो भी मैंने अलग किया था। जो दूसरे गियर में खच करके आवाज आ रही थी उसको जो हमने देखा था, ये सेकंड गियर है इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, ये मोहन ने पूरा का पूरा कंप्लीट उसमें नया डाल दिया है। मतलब इसी को बोलते हैं कारीगरी, इसी को बोलते हैं रिपेयरिंग। बहुत सारी चीज़ें होती हैं टाइम बचाने के लिए। कई बार क्या होता है कि ये आपकी गियर में प्रॉब्लम है, मायापुरी से ले लो वगैरह वगैरह करके ले तो लेते हैं, लेकिन वो भी चलने के बाद ही पता चलता है। तो उस पर हमें इतना विश्वास नहीं होता जितना अपने हाथों पे विश्वास है, क्योंकि हमने इस चीज़ में बहुत सारा टाइम लगाया हुआ है, कितने सारे गियरबॉक्स रिपेयरिंग कर दिया है। तो मैंने पूरे गियरबॉक्स में से सिर्फ ये रिंग मैंने बदला है, एक दो लॉक बदला है, सिंक्रोनाइजर रिंग बदला, ये गरारी बदला, और ये हो गया बिल्कुल जेन्युइन एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, कंप्लीट असेंबल कर दिया है। इसके बाद चलने के बाद क्या रिस्पॉन्स आएगा वो भी मैं बता दूंगा। ये हम करते रहते हैं इसीलिए हम बता पा रहे हैं और ये चीज़ें हम कर रहे हैं, क्योंकि है बड़ा महंगा पार्ट। मैं बता रहा हूँ इंजन और गेयरबक्सा सबसे महंगा पार्ट होता है। तो इंजन का रिपेयरिंग तो कोई भी कर देगा, कैसे भी कर सकता, हो ही जाता है, लेकिन इसकी रिपेयरिंग थोड़ी अलग होती है। इसमें बिल्कुल माइंड चाहिए होता है, क्योंकि उतने बड़े गुच्छे में से इस पार्ट्स को निकाल करके बाकी चीज़ को चलाना और इसको सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर कोई मुश्किल नहीं है, सब आसान हो जाता है, सिर्फ करने का एक सोच होनी चाहिए। उसके बाद इंजन का जो भी पार्ट्स है, आपको पहले बताया कि पूरा का पूरा इंजन खुला हुआ था, खोलने के बाद जितने पार्ट्स उसमें नया नगला है वही चला रहा हूँ। मेन फॉल्ट जिसकी वजह से पिकअप नहीं ले पा रही थी, गाड़ी चलने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, उन चीज़ों को किस तरीके से कवर कर रहा हूँ, जब इंजन होके आएगा वो भी दिखाऊंगा। बाकी जिन चीज़ों पे छोटा डाउट था वो मैं डाल दे रहा हूँ, जैसे कि MGP का मैं गैसकेट डालूंगा, कोई डबल गैसकेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे जेन्युइन इंजन आता उसी तरीके से बनाऊंगा, प्लग नया डालूंगा, टाइमिंग चेन डालूंगा और टाइमिंग रेल डालूंगा, ये सारी चीज़ें डालूंगा, MGP का रिंग डालूंगा, सील मैंने बदल दिया है गियरबॉक्स के अंदर जहाँ से लगभग ऑयल आता है, एक्सल सील उसके बिल्कुल ओके हैं, बाहर का वो कभी भी बदल सकते हैं। तो मतलब वो काम हो रहा ना चुन चुन करके, एकदम छोटे 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 फॉल्ट निकाल करके और बड़े बड़े चीज़ों को कंप्लीट करना चालू कर रखा हूँ। किस तरीके से बिल्कुल डिटेल में दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद इंजन आ रहा है, फिर उसको दिखाता हूँ। फाइनली हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ से बोलते हैं इंजन ओवरऑल करना है। जितनी चीज़ें था खोलना, किस तरीके से कैसे कैसे करना था, हमने सारा चीज़ें खोल करके दिखा दिया। सफाई के मामले में बोलूँ तो नंबर वन सफाई जिसको बोला जाता है, जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है सफाई में, सफाई के मामले से कहते हैं इसको। ये हो गया इंजन, ये हो गया गेयरबॉक्स, एक एक सामान क्लीनिंग इस तरीके से है कि बिल्कुल डस्ट नहीं है, बिल्कुल नया हो गया, ठीक है, जो पूरा असेंबली कम्प्लीट हो गया है। अच्छा, इस गाड़ी में इतना टाइम मुझे इसलिए लगा है कि सही मायने में एक तो होता है इंजन ओवरऑल बनाना अच्छी बात है जेन्युइन चीज को, लेकिन ये गाड़ी कहीं से होकर के आई थी, तो इसको जो जो कमियां थी, जिसके अंदर प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से पिकअप नहीं है, वो सब मैंने दूर कर दिया और एकदम नया इंजन जैसे कंपनी से आता है ना उस तरीके से बनाया। क्योंकि इसमें ओवर साइज का स्लिप डल गया था, वाल का काम सही तरीके से नहीं हुआ था, हेड का फेस भी बिल्कुल सही नहीं था और इंजन का फेस भी नहीं सही था। इन सब वजहों से इंजन ओवरऑल करने के बाद कस्टमर की पूरी तसल्ली नहीं हो पा रही थी, परफॉर्मेंस के नाम पे जीरो था, बस पैसे लग गया तो किसी तरीके से वो चला रहे थे। सारे डिस्कस करने के बाद इंजन खोला हूँ, अब इसको एक नंबर का इंजन बनाऊंगा, सारे पार्ट्स ओरिजिनल डाल रहा हूँ, जो जो सही था वो सही रहने दिया, जो जो खराब है उसको मैंने चेंज कर दिया। पिस्टन ये पुराना है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट इसके अंदर जो रिंगे हैं ओरिजिनल वो मैं डाल रहा हूँ, टाइमिंग चेन डाल ही रहा हूँ, रेल डाल ही रहा हूँ,
मतलब कमियां सारी दूर कर दिया। जरूरी नहीं है कि इंजन खोलो तो एकदम से 50-60-70 लगा दो, ऐसा नहीं। जो सही है उसको सही किया और जो खराब है उसको चेंज कर दिया। इस करके करके इंजन को एक नंबर बना करके तैयार कर रहा हूँ। अब ये स्लिप तो डाल दिया हमने स्टैंडर्ड की, और रिंगे भी डाला स्टैंडर्ड की। पिस्टन पहले से स्टैंडर्ड का था, मतलब इसमें कोई ओवर साइज नहीं है। अब इससे देख सकते हैं कि जो हम रिंग का गैप मिलाते हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ये जो गैप दिखाई दे रहा ना कैमरे से, ये बिल्कुल जेन्युइन है। हल्का सा ही देखिए, जब गाड़ी चलेगी, गाड़ी गर्म होगी तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा और फैल जाएगा और वो बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से कवर कर लेगा। ये आयल को आने से अंदर की साइड आयल होता है, ये जब गैप ज़्यादा हो जाता है, गाड़ी गर्म हो जाती है, यहाँ से पानी नहीं होता है तो ये रिंगे बैठ जाती हैं। उसके बाद तेल बाहर आता है, तभी गाड़ी धुआं देती है, वाइट स्मोक देती है और आयल खाने लगती है। उसके बाद जो अपनी गाड़ी का बैक कंप्रेसर वगैरह जो बताते हैं, कंप्रेसर नहीं बन रहा है वगैरह करके, पिकअप बनाने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप देख सकते हैं। इसकी रिंगें किस तरीके से होती हैं, इस पर भी फर्क पड़ता है। ये इसमें जेन्युइन देखेंगे गैप यहाँ होगा, देखिए दिखाई दे रहा है। ये भी जब गाड़ी गर्म होगी चलेगा तो थोड़ा सा फूलेगा तो गैप और कम हो जाएगा, लेकिन ये जेन्युइन है। मतलब अगर हम इसमें चेक भी नहीं करते हैं ना, इस तरीके से इसकी सेटिंग कराते हैं कि बिना रिंगों को चेक किए डाल सकते हैं। लेकिन क्या है, एक आदत है अपनी तसल्ली करने के लिए, हमें इसको चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। जितनी अच्छी गैप होगा रिंगों का, जितना कम जो मिनिमम होता है वो उतना ही बढ़िया है। अगर ज़्यादा होगा अंदर जाके दब जाएगा तो भी दिक्कत आती है, गाड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत आती है और पिस्टन पकड़ कर जाता है। तो इसीलिए गाड़ी को जब हम स्टार्ट करते हैं बनाने के बाद रमा करते हैं, ताकि चल चल के जो थोड़ी बहुत कमी हो अपने आप सेट कर ले। इसलिए इंजन बांधने के बाद गाड़ी को लो स्पीड में रखते हैं, खड़ी करके पेट्रोल डलाते हैं, फूंकते हैं, ताकि गाड़ी जितना हो सके रमा हो जाए। तो ये है इसका बेस्ट तरीका, जो सबसे नंबर वन का काम होता है। अब मैं इसका रिंगे डालता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से सबसे बेस्ट रिंगे, सबसे बढ़िया रिंगे लंबा चलने के लिए डाला जाता है वो दिखाता हूँ। इंजन का डायरेक्शन मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ एक नंबर पिन लगाई है, जो खराद पे जाता है तो वो पंच कर देते हैं। तो पहला नंबर इधर से होता है, जिधर हम टाइमिंग बांटते हैं, आयल पंप लगा होता है, उधर से पिस्टन होता है और इस तरीके से डाला जाता है। मतलब ये जो यूरो का निशान है बिंदी का, ये टाइमिंग की तरफ होता है। तो इसका जब हम रिंग डालते हैं कुछ इस तरीके से, ये रिंग है, इसको हम आगे से भी डाल सकते हैं। ऐसे करेंगे तो इसका जो बनेगा ना ये मुँह, तो यम बन जाएगा यम, और अगर ऐसे पलटेंगे तो डब्लू बना लो, यम बनाओ डब्लू बनाओ, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कहाँ होना चाहिए, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कंपनी करके देती है, इस तरीके से बीच में रख देते हैं। और उसके बाद ये ऑयल रिंग होता है पतला वाला, इसका डायरेक्शन भी हम चेक कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम यहाँ पे रख देंगे इस पॉइंट पे, इस तरीके से एक यहाँ हो गया और दूसरा जो इसके साथ लगा हुआ है, पहला यहाँ पे, दूसरा इसके अपोजिट यहाँ पे। मतलब रिंगों का मुँह एक तरफ नहीं होना चाहिए, एक जैसे दोनों नहीं होना चाहिए। इनका लोकेशन इसी तरीके से होगा, ऑयल लगा करके रिंग का जो कट पहला यहाँ पे, EMW जो बनाया था यहाँ पे, हेल्पर रिंग बीच में और सेम इसके अपोजिट एक रिंग यहाँ ऑयल वाला और दूसरा यहाँ पे। मतलब एक के सामने कोई रिंग नहीं है, और जहाँ पे गजन पिन का पूरा कट लगा हुआ इसके सामने कोई रिंग नहीं होना चाहिए, बाकी बीच में कहीं भी हो तो चल जाएगा। मतलब एक दूसरे के सामने ना हो, इधर इधर नहीं होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए, बाकी ये सबसे बढ़िया तरीका। बीच में ये हो गया, इसके साथ में ये हो गया, इधर बीच में ये हो गया और इसके साथ में ये हो गया। ये इंजन हो गया पूरा कंप्लीट असेंबली। कंपनी क्या करती है, पिस्टन रिंग और इसका पूरा क्रैंक मेन बिगन लगा लगाया हाफ असेंबल देती है, लेकिन हम लोग इसको पूरा असेंबली तो नया नहीं डालते हैं, अपने आप ही इसको कंप्लीट नया जैसा बनाते हैं कंपनी जैसा, क्योंकि हमें अपने हाथों पे विश्वास है और ये लंबा चलने वाली चीज़ है, इसलिए हम इस तरीके से काम करते हैं।
नहीं तो अगर कंपनी से लेते थे पूरा असेंबल, कई बार नया आता है पूरा ये वाली चीजें, और फिर हेड को रिपेयरिंग करके बाहर की चीज नया डाल करके भी इंजन को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करवाते हैं, लेकिन मेरा काम करने का तरीका ही है, बिल्कुल ओरिजिनल काम हो रहा है। जेन्युइन गैस्केट होती है जो सबसे मतलब जेन्युइन जो लग करके आती है कंपनी से, वही लगा रहा हूँ, और पूरा हेड और दोनों का बेस बिल्कुल बराबर करके फिर इसको फिट कर रहा हूँ, ताकि पिकअप में कोई कमी ना आए, ये ना लगे कि इंजन मतलब बाहर से हुआ है, बिल्कुल कंपनी जैसा ही हो रहा है। वाल जितने डले हुए इसके अंदर सब ओरिजिनल MGP का डले हुए, और गाइड और सीले सारी मारुति का ही डल रहा है, तो एक तरह से पूरा का पूरा इंजन ये नया हो रहा है। का टाइमिंग है ये देखिए, और ये KM टाइमिंग, ये इस बिंदु पे आ गया, ये इस पर आ गया। ये वही जाली है जो हमने खोला था और आपको दिखाया था कि कितना सारा डस्ट एनाबोंड जाके लगा था, लेकिन ये जो एनाबोंड इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल MGP का, ये जहाँ लगाएंगे वहीं जाके चिपक जाएगा, ऐसा नहीं कि टुकड़ों टुकड़ों में आटे की तरह इधर उधर फैलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये बहुत मायने रखता है चीज़ें। यहाँ पर पूरा का पूरा जो चौक था क्लीन हो गया, और इंजन की सफाई बाहर से तो होता ही होता, अंदर की सफाई कुछ इस तरीके का है कि एक एक चीज़ें नया है। अगर इसमें किसी से पूछा जाए क्या नया पुराना है, तो एकदम से कई बार नहीं पता चलता है। एक्चुअल में जो कहते हैं क्या इंजन ओवरऑल कर रहे हो क्या, तो इंजन ओवरऑल यही होता है जो आप देख रहे हैं। इंजन पूरा कंप्लीट हो गया, हेड भी पूरा कंप्लीट हो गया, क्लच प्लेट इसका भी कुछ दिन पहले डला था तो हमने इसको वही चला दिया, बाकी गियर बक्सा किस तरीके से क्लीन है, अंदर से पूरा इनसाइड एकदम कंप्लीट क्लीन कर दिया, और ये जो मेन होता है फारक जो ऐसे छोड़ते ना, कई बार हम दबाते तो दबा रह जाता है, लेकिन ये देखेंगे बिल्कुल मूवमेंट कर रहा है एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पे तार लगेगा, इधर बैरिंग इसका सही है, और उसके बाद क्लच इसका नया हो गया, इस तरीके से पूरा का पूरा असेंबल कंप्लीट एकदम नया हो रहा है। बड़ी ही तसल्ली से सही मायने में इस काम को अंजाम दिया जाता है, और इस चीज़ का रिपोर्ट हमारे सामने बहुत अच्छा आता है। हमने देखा कि एक इंजन हमने बांधा, उसके बाद दो दो तीन तीन लाख चार चार लाख किलोमीटर चल रही हैं गाड़ियाँ और खुल नहीं रही हैं, उसी हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। बस वही फिर बोल रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम इसलिए लगा कि ये गाड़ी कहीं से होकर के आई थी, उसका फॉल्ट निकालते 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 अब कम्प्लीट एक एक चीज़ फिट करके अब इसको मैं तैयार कर रहा हूँ। इंजन कंप्लीट करने के बाद मोस्टली मैं सारे गाड़ियों का प्लग डाल ही देता हूँ, नया डाल देना चाहिए, क्योंकि क्या है अगर थोड़ा ठीक भी है ना तो डीजल पेट्रोल जब चला जाता है खोलने के बाद, तो इसको नया डाल देना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट बहुत बढ़िया होने वाला है प्लग नया डालने से। और इसके बाद इंजेक्टर तो हम क्लीन कर ही देते हैं हर गाड़ी का। अब ये मान के चलिए मैं बता रहा हूँ बेशक पुरानी गाड़ी है, लेकिन बिल्कुल नए परफॉर्मेंस देने वाली, बिल्कुल जैसे अभी मैंने एक गाड़ी का और काम करके दिया है, कस्टमर खुद फीडबैक दिए कि मतलब पुरानी गाड़ी है लेकिन नई है, एकदम चलने में महसूस हो रही, पहले चलाने का मन नहीं कर रहा था, अब गाड़ी में से उतरने का मन नहीं करता, लॉन्ग ड्राइव करने का मन कर रहा है, ऐसा फीडबैक लोगों का आ रहा है। उसी चीज़ को देखते हुए अपडेट करके हम लोग अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, और जितना बेस्ट हो सकता काम वो करने की तैयारी कर रहे हैं, और वही कर रहे हैं। अब इस तरीके से एक एक पॉइंट चेक कर करके तब इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। इंजन हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, पूरा फिट कर दिया है, नीचे ही जितना असेंबल होना था वो कर दिया। अब इसको करने के बाद जो सबसे मेन चीज होती है, कहते हैं इंजन जितना मर्जी बढ़िया हो लेकिन अगर करंट नहीं आ रहा है तो कोई फायदा नहीं है, लाखों की गाड़ी है अगर इग्निशन नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करते हैं, जितनी भी गाड़ियां होती सबसे पहले वायरिंग ठीक कराता हूँ,
पूरी वायरिंग खोल रहा हूँ और खोलने के बाद एक एक वायरिंग चेक करके टेपिंग का कम से कम 10 टेप लग गया है। और हमारा एक बंदा स्पेशली जो इलेक्ट्रिशियन हमारे पास है, जो हमने ट्रेनिंग के लिए भेजा हुआ था, ट्रेनिंग लेके आओ, 3 साल तक 4 साल तक ट्रेनिंग में रहा, वायरिंग का बिल्कुल मास्टरमाइंड है। फिर मैंने इसको अपने पास बुलाया, इससे पहले मैं किसी और से कराता था, पर क्या उधर थोड़ा टाइम लग जाता था तो अपना काम थोड़ा रुक जाता था, तो स्पेशली ट्रेनिंग से बुलाया। अब इस तरीके से कुछ काम हो रहा है, पूरी की पूरी वायरिंग निकालना, एक एक चीज चेक करना और डाउट डाउन की चीज ही खत्म। हम तो हम उस पॉइंट पे भी काम कर रहे हैं कि जो किसी गाड़ी का अगर इंजन चेक की लाइट नहीं जा रही है ना, तो 99% उसको भी खत्म करके दे रहे हैं। जब हम पहले बोल देते थे सीएनजी लग गया जी, रहने तो नहीं होगा, उसको भी खत्म कर रहे हैं। तो वही है, कहते ना दिनों दिन अपडेट करते चले जाते हैं, जो सीखता हुआ आगे बढ़ता है, नहीं तो रुका हुआ आदमी बुढ़ा हो ही जाता है। तो उसी तरीके से काम कर रहे हैं और उसी दिशा में आगे चल रहे हैं। पहली गाड़ी मैंने कर दिया पूरी पूरी फिटिंग कंप्लीट। आपने देखा किस तरीके से एक खुली हुई गाड़ी मेरे पास आई और उसको किस तरीके से एक एक चीज बाकायदा चेक कर करके काम को अंजाम दिया और इंजन चढ़ाने के बाद गाड़ी स्टार्ट कर दिया। सही मायने में गाड़ी अभी इस तरीके से खड़ी है। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे हाथ रख करके भी तो पता नहीं चल रहा गाड़ी स्टार्ट, मतलब अगर यहाँ कोई खड़ा है तो पता नहीं लगे गाड़ी स्टार्ट है। बिल्कुल स्मूथ है, एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। साउंड तो नज़दीक से कैमरे से भी ढंग से आने वाली नहीं है, एकदम बिल्कुल ऐसे लग रहा है गाड़ी बंद है। अभी क्या है, अगर इसको देखेंगे अंदर स्टार्टिंग के बाद देखेंगे तो यहाँ पे देखे रखा हो मैंने अंदर जा रही, हो सकता है अंदर से कैमरे में कैच हो तो पता चले गाड़ी स्टार्ट है, नहीं तो ऐसे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। साउंड बिल्कुल है नहीं गाड़ी में, एकदम स्मूथ। मीटर में देखेंगे तो कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है, जो हैंड ब्रेक का होता वो तो आ रहा है, बाकी कोई इंजन चेक की नहीं। जबकि ये गाड़ी आफ्टर मार्केट सीएनजी फिटिंग है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के इंजन हुआ था और इसमें पिकअप नहीं आ रहा था, गाड़ी वाइब्रेशन कर रही थी, बहुत सारा साउंड आ रहा था। मतलब इतनी बढ़िया गाड़ी होने के बाद, सारी एसेसरी बढ़िया होने के बाद, एम्प बूफर सब कुछ लगा हुआ, लाइटें बड़ी शानदार, लेकिन जिस चीज़ से गाड़ी चलनी वही चीज़ में प्रॉब्लम थी। तो अब मैंने इसको गाड़ी स्टार्ट किया हुआ है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हो गया। एक बार मैं बोनट भी खोल के दिखाता हूँ अंदर का क्या कंडीशन है। आपने देख लिया, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर, मतलब गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट है। अब इसको दिखाता हूँ मैं आपको, अभी मैंने बोनट खोल दिया है, बिल्कुल स्मूथ है। सफाई करना है, खाली वॉशिंग करना है, बाकी गाड़ी मैंने स्टार्ट करके हाफ तलब में गाड़ी स्टार्ट हुई है। कोई मिसिंग नहीं है, कोई एडलिंग नहीं है, कोई झटके नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं। अंदर बैठने में भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इंजन का जो साउंड सही मायने में होता है वो तो प्रॉपर हो ही गया, एकदम बढ़िया इस तरीके से। अब मैं इसको चलाने जा रहा हूँ और चला के देखता हूँ कि जब गाड़ी आई थी मेरे पास वही गाड़ी अभी भी है और कितना फर्क आता, किस तरीके से आता, वो भी मैं बताता हूँ। फर्स्ट के बाद जब हम सेकंड गियर में डालते थे खच करके आवाज़ आ रही थी, उसको मैंने पूरा गियर बक्सा खोल करके ऑपरेशन करके एक छोटा सा पार्ट डाला है, जो मेन प्रॉब्लम था उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, उसका भी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। चलो भाई, गाड़ी तो हो गई सही मायने में, बहुत बढ़िया शानदार, ऊपर वाले की कृपा है। कहते ना जो फॉल्ट पे गाड़ियों में काम किया जाता है उसमें और मजा आता है। अब कम से कम हमें पूरा 100% विश्वास हो गया कि कभी ऐसा हो रहा हो कि इंजन करवा दिया, पिकअप नहीं ले रही है, माइलेज नहीं दे रही है, मजा नहीं आ रहा है, तो सारी बीमारी का इलाज तो मिल गया जो हमने इस गाड़ी में किया। क्या शानदार गाड़ी बनी स्मूथ, मैं बता रहा हूँ। वो तो मैंने पहले दिखाया ना, पानी रखा हुआ पता नहीं चल रहा, एकदम बिल्कुल स्मूथ। पिकअप के मामले में करूँ, अभी इंजन किया है, मैं भगा तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर सकते हैं स्पीड का मीटर, ये देखिए, मतलब कि ये गोली है गोली। ये अभी तीसरा गियर, भगा नहीं सकते ज्यादा, लेकिन मैं चेक करा रहा हूँ, मस्त हो गई, मस्त। जिसके लिए रिट्स जानी जाती है ना पिकअप के मामले में, वो चीज बन गई। और मैं बता रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन चीज किया है और जेन्युइन चीज ही बता रहा हूँ। और दूसरी चीज है जो गियर का था, जब मैं पहले गियर डालता था ऐसे करके चलाता था और दूसरा लाता तो खच करके आवाज आती थी, अभी बिल्कुल बढ़िया हो गया फर्स्ट क्लास, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। मतलब इतना बड़ा गियर बक्सा खोला और उसमें से हमने चेक किया एक गरारी सेकंड नंबर की, जो उसमें ज्यादा प्ले आ गई थी, उस गरारी और सिंक्रोनाइजर रिंग को बदला, गाड़ी हो गई फर्स्ट क्लास टकाटक के। देखिए अब अगर दूसरा डालेंगे तो एकदम स्मूथ, मतलब नई गाड़ी हो गई। अभी भी गाड़ी अगर स्टार्ट करके खड़े हैं तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी स्टार्ट है, तो बिल्कुल बढ़िया। ओके रिपोर्ट आ गई है, काम करके भी दिखा दिया, ओपनिंग फिटिंग करके दिखा दिया, चला करके भी देख रहा हूँ, मेरी खुद की तसल्ली है। और मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से अभी मैंने एक गाड़ी का काम और किया, वो है टैक्सी गाड़ी थी, बड़े दिन से भाई से बात हो रही थी, मेरी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है, 2,63,000 किलोमीटर चल चुकी थी। एक महीने बाद नंबर आया, मैंने सर्विस किया, जर्नल सर्विस, जो एक नंबर का काम किया जाता, जिसमें कुछ छोड़ा नहीं, मैंने सब कुछ चेक कर डाला, चारों पहिया फ्री कर दिया, एक नंबर का इंजेक्टर वगैरह क्लीन करने के बाद। उसके बाद सामने वाले का क्या रिपोर्ट आया, मतलब जो उन्होंने फोन किया वो खुद ही कंफ्यूजन में हो गए, पहले एवरेज नहीं दे रही थी, अब एवरेज ज्यादा हो गई, उसके लिए भी डाउट आ गया। तो तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपनी, लेकिन जो सामने से फीडबैक आता है वही चीजें आती है। जैसे अभी मेरी इसमें पूरी की पूरी तसल्ली हो चुकी है,
अब जो गाड़ी चलाएगा उनका भी फीडबैक आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा और सुना दूंगा। तो ये इस गाड़ी हमने पूरा कंप्लीट कर ही दिया था, करने के बाद हमने कस्टमर को दे दिया चलाने के लिए कि चलाओ, कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। तो गाड़ी 500 किलोमीटर चल करके मेरे पास दोबारा आ गई है और फीडबैक मैं इसलिए दोबारा लिया हूँ कि एक बार जब मैं तेल बदलूंगा, सारी चीज़ चला के पूरी तसल्ली हो जाएगा, तब उसके बाद फीडबैक लेता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, 500 किलोमीटर पे जब दोबारा तेल चेंज करते हैं तो उसका कंडीशन देखते हैं, बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, क्योंकि जब इंजन फिटिंग करते हैं जितना मर्जी बढ़िया क्लीनिंग कर लो, अंदर लाइनों में ना बुरादे हो जाते हैं उसके, जब वो बोरिंग वगैरह करते हैं, स्लिप डालते हैं तो हल्का 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 सब सिल्वर होता है, तो उसको अंदर धुलाई करने के लिए इसलिए जल्दी से तेल चेंज करते हैं। पहली बार में 500-1000 किलोमीटर पे हम बदल देते हैं, फिर अगली बार थोड़ा नॉर्मल तेल डालते हैं, सेमी या जो भी डाल सकते हैं, 5000 पे बदलते हैं, फिर 10-10000 किलोमीटर स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं। जैसे कंपनी वाले बुलाते हैं कितने टाइम पे आपको 2-3 सर्विस कराना, सेम उसी तरीके से प्रोसीजर चलता है। अब मैं दिखाता हूँ इसका तेल कैसा निकला, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से है। अब देखिए 500 किलोमीटर पे तेल का कंडीशन है, तेल तो निकला पूरा लेकिन चमक आ रही ना सिल्वर, ये देखिए। अगर इसको हम ज़्यादा चला देंगे तो अंदर जाके रिंगों वगैरह, पिस्टन वगैरह में सब चीज़ें दिक्कत आती है। तो भाई ये बहुत ज़रूरी होता है, इंजन ओवरऑल के बाद 500 किलोमीटर 700-1000 पे तो तेल बदल ही देना चाहिए, फिर दोबारा तेल डालो और फिर उसको 5000 किलोमीटर पे बदलो, फिर उसके बाद आप 10-10000 किलोमीटर चलाते रहो और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये सामने खोल के रिपोर्ट बिल्कुल ओके दिखा रहा हूँ, जो कंडीशन कुछ इस तरीके से, ये जो सिल्वर बना हुआ है, क्योंकि इससे ना अंदर की सारी स्लिपें वगैरह फिर कटने लग जाती हैं, मेन विगन में दिक्कत आने लग जाती है। तो ये एक तरह से ये धुलाई है अंदर की, 2-3 बार कर दो और उसके बाद गाड़ियाँ होगी बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो 500 किलोमीटर पे क्या कंडीशन निकला था आयल का, वो तो आपने देख लिया, बिल्कुल चमक और सिल्वर आया हुआ बाकायदा। उसके बाद फिर 5000 किलोमीटर के चलने के लिए सेमी सिंथेटिक डाल रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक तरह से वॉशिंग ही है, इसको 5000 किलोमीटर पे मैं इसको बदलूंगा, फिर उसके बाद 10-10000 किलोमीटर पे कंटिन्यू बदलता रहूँगा, क्योंकि यही है मेन टाइम। इंजन के बाद अगर ये चीज़ें मेंटेन हो गई ना, लो स्पीड लीकेज ना हो वगैरह वगैरह करके, तो फिर सारा काम फिट हो जाता है। जैसे डाला ये और निकला क्या, इसी तरीके से देख करके चीज़ों को करना पड़ता है, ये हर चीज़ को हम लोग शुरू से मेंटेन करते हैं, तभी कस्टमर बार बार वापस हमारे पास आते हैं। नमस्कार सज्जन जी, इंजन ऑयल चेंज कराने के बाद मैं गाड़ी 305 किलोमीटर चला चुका हूँ और गाड़ी के अंदर कोई भी दिक्कत अब मुझे फील नहीं हो रही। गियर पहले अटकता था, अब गियर से कोई आवाज़ नहीं आ रही और इंजन के अंदर वापस वही स्मूथनेस और वही पिकअप आ गया है जो एक नई गाड़ी के अंदर होता है। तो मैं आपके काम से फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ और मैं अपने बाकी भाइयों को भी रिकमेंड करूँगा कि एक बार सज्जन जी के पास ज़रूर आए। थैंक यू सज्जन जी।